तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जर्नल एंट्रीज से मैंने 5 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, उन 5 ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल में आती है डेट, हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, LF, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब हम जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, तो जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं तो उसका नंबर हमें यहाँ डालना होता है। अभी आपको क्लास 11 में इस LF वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर हमें रूल्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, एक चीज थी डेबिट और एक चीज थी क्रेडिट, तो हमें कॉलम बनाया डेबिट और क्रेडिट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये सिर्फ वर्किंग नोट है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने के लिए। अभी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस में स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, कैश में, तो एक चीज तो आ गई कैश, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब हम मॉडर्न रूल लगाएंगे। देखो कैश जो है वो एसेट है, ठीक है, और कैपिटल का अलग ही अकाउंट होता है। तो देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, तो अगर एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हमें क्या करना होता है, डेबिट। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल भी इंक्रीज होता है, तो कैपिटल का रूल उल्टा है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब देखो हमने निकाल लिया कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। अब हम एंट्री पुट करना सीखेंगे। देखो डेट डालेंगे यहाँ पे April 1 स्टार्टेड, तो जो चीज डेबिट होती है पहले उसे पहले लिखते हैं। तो क्या चीज डेबिट हो रही है, कैश, तो हम कैश को पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट, उसके आगे डालेंगे DR, डेबिट, ठीक है। जो चीज डेबिट हो रही है उसे पहले लिखना है, ठीक है। फिर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, जो चीज क्रेडिट होती है उसे 2 करके लिखते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। पहली बात तो जो चीज डेबिट होगी उसे पहले लिखेंगे, हमने लिखा कैश, उसके आगे लिखेंगे डेबिट। जो चीज क्रेडिट होगी उसे नीचे लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम, लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे जो चीज क्रेडिट हो रही होगी। कैश का अकाउंट, कैश का जो बैलेंस है वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन हम स्टार्ट करते हैं बीइंग से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसे हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन क्या होती है, ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो लिख देते हैं, बस शुरू में बींग लगा देते हैं। ये हो गई हमारी पहली एंट्री, ठीक है। फिर सेकेंड है परचेज गुड्स इन कैश, तो हम यहाँ डेट डाल लेते हैं April 2 परचेज गुड्स इन कैश। अब देखो गुड्स परचेज किए हैं हमने कैश में, अब इसे समझो, दो चीजें हैं, एक तो यहाँ है गुड्स और एक है कैश, ठीक है। जर्नल एंट्री में जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम परचेज करते हैं, तो जर्नल में हम गुड्स को बोलते हैं परचेजेस। जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, जब गुड्स बेचेंगे तो सेल्स, और कैश तो कैश ही रहेगा। अब गुड्स भी हमारे एसेट होते हैं, कैश भी क्या होता है, हमारा एसेट होता है, ठीक है। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स इंक्रीज होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। कैश डिक्रीज होगा, पैसे दोगे तो तुम्हारे पास तो पैसे कम हो गए, कैश डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेजेस को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, लिखोगे कैसे, जो चीज डेबिट करते हैं उसे पहले लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज, ओके। ऐसी थर्ड ट्रांजेक्शन देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फिर से दो चीजें हैं गुड्स और राम, या कैश नहीं है, क्या है, राम है, ठीक है। तो गुड्स को खरीदे हैं तो हम बोलेंगे परचेजेस, एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो होगा डेबिट। अब डिफरेंस क्या आएगा, अभी हमने एंट्री बनाई थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अब क्या बना देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। जहां कैश लिखा है वहां कैश लिखते हैं, जहां नाम लिखा है इंसान का वहां नाम लिखेंगे। तो हम डेट डालेंगे April 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखो
अगर किसी इंसान का अकाउंट होगा तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफ यस लगाओ और फिर अकाउंट लगाओ, ठीक है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है तो उसके आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। तो हम एंट्री बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, अमाउंट लिख देंगे परचेजेस का, परचेजेस के सामने डेबिट कॉलम में क्योंकि डेबिट किया है, और राम का राम कॉलम में क्योंकि हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं अप्रैल 4। देखो अप्रैल 4 में भी सोल्ड गुड्स इन कैश है, तो गुड्स ही और कैश है, पर हमने क्या किया है सोल्ड। तो गुड्स जब खरीदते हैं तो हम बोलते हैं परचेजेस, गुड्स जब बेचते हैं तो हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। दोनों एसेट है, गुड्स भी एसेट है और कैश भी एसेट है, ठीक है। तो हमने इसे बोला सेल्स। अब देखो जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे उसे क्रेडिट, और जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो कैश इंक्रीज होगा तो कैश को क्या करेंगे डेबिट। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो चीज डेबिट होगी उसे पहले लिखना है, जो चीज क्रेडिट होगी उसे बाद में। यहां लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, अमाउंट लिखोगे 5,000 and 5,000। अब लास्ट वाली देखो, इसी से बन जाएगी सोल्ड गुड्स टू राम। अब राम को सेल किया है, यहाँ कैश नहीं है, क्या है राम है, तो सोल्ड गुड्स ही, जैसे यहाँ था परचेज गुड्स, पर यहाँ क्या है सोल्ड गुड्स। तो जब नाम दे रखा है तो कैश की जगह क्या आ जाता है नाम आ जाता है। तो हम एंट्री बनाएंगे राम डेबिट टू सेल्स, बाकी एंट्री ऐसी रहेगी बीइंग गुड्स, ये नरेशन में ये लिख देते हैं जो हमें दे रखा है सोल्ड टू राम अमाउंट 2,000 and 2,000.